विजन है मेवात को लेकर बहुत बड़ा। जिस तरीके से उन्होंने रेनीवॉल प्रोजेक्ट लाकर हमारे मेवात में पानी की जो दिक्कत थी पीने की, उसको पूरा करने का काम किया है। उसके साथ साथ में जितना हमारा पिछड़ा हुआ मेवात लगता था, जिला पूरा पिछड़ा हुआ प्रदेश में कहलाया जाता था कि 22 जिलों में से अगर कोई पिछड़ा हुआ जिला है तो मेवात जिला है। आज उसको पिछड़ा ना छोड़कर अग्रणी जिलों में लेकर आए हैं। उसके लिए मनोहर जी ने, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, जैसे अभी जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि बॉम्बे की, हमारे को बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे की सौगात अगर किसी ने दी है तो हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों ने मिलकर हमें यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके, हमें हमारे यहाँ का जो जमीनों का रेट था वो पहले 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए था, आज वही ज़मीनें जो हैं इस रोड के निकलने से 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ रुपए की ज़मीनें हो गई हैं। हमारे यहाँ का किसान जो है वो खुशहाल हुआ है उससे। हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था थी वो अच्छी हुई है यहाँ पर, हमारे रोडों की व्यवस्था अच्छी हुई है यहाँ, बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है यहाँ। अभी मनोहर जी खुद स्वयं आ रहे हैं 18 तारीख को, और वो मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि कम से कम 500 करोड़ का काम कंप्लीट जो हुआ है उसको भी हमें सौंप के जा रहे हैं मेवात को हमारी, और कुछ काम ऐसे हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं अभी, उनको भी हम जल्दी ही पूरा करवा लेंगे। और कुछ की वो आधारशिला रख के जा रहे हैं जो बड़े प्रोजेक्ट ले के आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कॉलेज हमें दिए है उन्होंने, बिस्सर अकबरपुर के अंदर, जिला नूह के अंदर। हमारे यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट दिया है कृषि विज्ञान केंद्र का। ऐसे ही हमारे यहाँ पर उन्होंने जो हमारा ये हाईवे है इसकी DPR तैयार करके, इसको भी 4 लेन का करके, इसकी भी आधारशिला वो रखने वाले हैं कुछ टाइम में। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट, बहुत से काम मेवात के लिए जो करे हैं पिछले 8.5 साल में, वो आज मेवात का बच्चा बच्चा मुख्यमंत्री जी को चाहता है और अपने दिल में बसा रखा है कि वास्तव में जो मनोहर जी ने काम कर दिया मेवात के लिए, इतना काम किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया। पिछले 40-50 साल में कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, लोकदल की सरकारें भी रही हैं, सब यहाँ वोट बैंक की राजनीति करने आते थे, वोट लेकर चले जाते थे, विधायक बना जाते थे और वहां जाकर चुपचाप बैठ जाते थे, बाकी काम नहीं करते थे। विकास के मामले में तो बहुत पिछड़ा हुआ छोड़ दिया उन लोगों ने, यहाँ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ सिर्फ ये था कि बस इनको आपसरी में लड़ाते रहो और वोट प्रतिशत लेते रहो और आगे बढ़ जाओ। हमारी भोली कौम थी जो कि वो उनके साथ जुड़ जाती थी, लेकिन आज समझदार हो गई है। हमारा शिक्षा का स्तर भी अच्छा हुआ है मेवात का, इस नाते से आज सब लोग समझदार हैं और आज भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। और मोदी माने मुख्यमंत्री जी की रैली में जिस तरीके से सैलाब आने वाला है, जिस तरीके से भीड़ आने वाली है, उस भीड़ को देखकर आप भी और हम सब अंदाजा लगाएंगे कि ये जो 3 सीट हम मेवात के अंदर जो है, चाहे वो फिरोजपुर झिरका हो, चाहे पुनाना हो, चाहे हमारी नूह हो, तीनों की तीनों सीटें आने वाले 2024 अक्टूबर में मनोहर जी की झोली में डालने का काम करेंगे।